हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं KTM न्यूक 125 की एक बड़ी डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों, जब से मैंने ये बाइक ली है, लगभग मुझे 2 मंथ हो चुके हैं और मैंने इसे 1000 किलोमीटर चला लिया है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बाइक है ये और काफ़ी अच्छी पावर है इसमें 125 के हिसाब से, और उसी हिसाब से इसमें ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी दी गई है और साथ में ABS भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ABS है उसको ऑफ़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, KTM ने ABS तो दे दिया बाइक में, लेकिन अगर आप ABS को ऑफ़ ना कर सकें तो यह आप लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो गांव है वहाँ पर काफ़ी ख़राब रोड हैं, मतलब कीचड़ वाले रोड हैं, और यहाँ पर स्नो भी पड़ती है और रोड्स में हमेशा पानी रहता है, कभी मिट्टी रहती है, रेत रहती है। तो उस वक्त क्या होता है कि ABS प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, और मतलब जैसे आप अगर ब्रेक दबाएंगे तो या तो आपकी ब्रेक दबाने में या तो आपको ब्रेक दबाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और जैसे ही ब्रेक दबेगी तो अचानक से ब्रेक जो है वो फुल ब्रेक लग जाती है और जो टायर है वो स्किट हो जाता है। मैंने इस बाइक को 1000 किलोमीटर चला लिया है तो मुझे इसे चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है, अगर आप कितनी भी हाई स्पीड में हो ब्रेक लगाएंगे तो काफ़ी आराम से बाइक रुक जाती है। लेकिन शुरू में जैसे मैंने बाइक ली तो शुरू में मुझे 1-2 दिन काफ़ी दिक्कत आई। जैसे ही मैं बाइक को स्पीड से ले जा रहा था अपने जैसे ख़राब रोडों पर, 40-50 की स्पीड में जैसे हम जाते हैं, तो अचानक मैंने जब फुल ब्रेक दबाई तो ब्रेक दबाने में काफ़ी ज़्यादा पावर लगी, मतलब ब्रेक दबी ही नहीं और फिर अचानक से ब्रेक पूरी दब गई और बाइक जो है स्किड हो गई। तो 1-2 बार ऐसा हुआ तो मैं समझ गया कि ये जो ABS है वो कीचड़ में और ऐसे ख़राब रोड में कभी कभी काम नहीं करता है। तो फिर मैंने YouTube पर वीडियो देखा कि ABS को ऑफ़ कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को मैं सीधा स्पीडोमीटर पर ले चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बाइक की चाबी को ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए रहा स्पीडोमीटर, और ये दिए गए इसमें कुछ लाइट इंडिकेटर्स, और ये है ABS का इंडिकेटर। ये देखिए लिखा है ABS। तो दोस्तों, जैसे ABS जो होता है इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मोड बटन और ये है सेट, और इसके नीचे यहाँ पर एक बटन है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्लिक की आवाज़ आ रही है। जिन लोगों के पास 200 का पुराना मॉडल है या 200 RC है, या मतलब ये वाले स्पीडोमीटर वाली KTM की बाइक है, तो यहाँ पर यदि बाइक में ABS नहीं है तो यहाँ पर एक खाली स्पेस है, और जिस बाइक में ABS है उसमें यहाँ पर एक बटन होता है। तो यदि आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बाइक का ABS ऑफ हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको काफ़ी देर तक प्रेस करता हूँ लेकिन ये ABS बंद नहीं हो रहा है। तो फिर दोस्तों, मैंने इसके लिए KTM के शोरूम में मैकेनिक से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये ABS कभी भी ऑफ़ नहीं होता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यही है कि बाइक का जो ABS है वो ऑफ़ होना चाहिए, या पता नहीं अगर इसमें ऑफ़ होने का कोई सिस्टम होगा भी तो ना मुझे KTM वालों ने ये बताया, और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि इसका ABS ऑफ़ कैसे होगा, और अगर इसका ABS ऑफ़ नहीं होता है तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मुझे इस बाइक में स्टॉपी मारनी हो या छोटे मोटे कुछ स्टंट करने हो तो वो भी मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा, उससे अच्छा तो फिर मुझे इसका ABS ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम ही है कीचड़ वाले रोडों में। और हाईवे पर तो ये बहुत ही अच्छी
बात है एबीएस है, लेकिन एबीएस को ऑफ करने का ऑप्शन बाइक में होना चाहिए या केटीएम को इसे अपडेट करना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ पता हो इसके बारे में, एबीएस के बारे में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।